उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कर दिया। मुझे लगता है ये मामला किसी व्यक्ति विशेष समूह या दल को श्रेय देने का है ही नहीं। जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आस्था और विश्वास का सम्मान किया है। सर्वोच्च अदालत के आज के फैसले से राम मंदिर के निर्माण के द्वार तो खुल ही गए जैसा आपने कहा, लेकिन इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों के सत्ता के भोग के लिए देश की आस्था के साथ राजनीति करने के द्वार भी हमेशा के लिए बंद हो गए, क्योंकि राम वचन की मर्यादा के लिए त्याग का प्रतीक हैं, सत्ता के भोग का नहीं। Can I just take the question and then I will? Yes. I was hearing the press conference by them, and they have also said that they deeply respect the judgment of the Supreme Court of India. Of course, everybody has a right to their own legal remedies, and they can always choose to exercise their remedies. But as far as the Indian National Congress goes, we have said what we have to say by way of a specific resolution and taken your specific question. Any other question? The decision of the Supreme Court in the Ayodhya case cannot be a matter of credit or discredit to any individual, group of people, communities, or political parties. Lord Ram, Bhagwan Ram, to vachan ki maryada ke liye त्याग का प्रतीक हैं, सत्ता के भोग का नहीं। राम सदाचार हैं, राम सर्वधर्म संभाव हैं, राम त्याग हैं, राम करुणा हैं, राम प्रेम हैं, राम भाईचारा हैं। भगवान श्री राम का नाम कभी बांटने के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, और जो कोई ऐसा करने का दुस्साहस करेगा वो भगवान श्री राम की परंपरा को समझता नहीं। I'll just come back to you, sir. इसके कई पहलू हो सकते हैं और जो कानूनविद हैं वो अपने तरीके से चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केवल ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, सब पक्षों को, समुदायों को और व्यक्तियों को उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं ये याद दिलाऊं कि ये जमीन 1993 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा एक्वायर की गई। आदरणीय मित्र, जो मुझे लगता है कि बड़े स्पष्ट तौर से मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखा, आस्था और विश्वास का सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की पक्षधर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कंसिस्टेंट अनक्वेश्चन्ड स्टैंस बड़ा क्लियर रहा है कि जो निर्णय अदालत का आए, और सुप्रीम कोर्ट फाइनल अदालत है,
उस निर्णय का सभी पक्ष, सभी समुदाय, सभी दल, सभी व्यक्ति पूर्णतः सम्मान करें और उसे मंजूर करें। उसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। धन्यवाद।